सीताराम। लो आइए नजदीक। जब तक इनके दरबार के क्रम को लगा रहे तब तक सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी। क्या समाधान चाहते आप? गुरु जी मेरी फैमिली बहुत परेशान रहती। मैं कौन है ये? हमारी वाइफ। पत्नी लोगाई? क्या हो गया है? गुरु जी ये बहुत परेशान रहती है, इनको दवा। अच्छा और कुछ पूछेंगे आप? गुरु जी और एक शब्द में बिना माइक के पूछो। नौकरी कैसे मिल गई? नहीं नहीं आर्मी में हो ना, वही देश की सेना CRPF। ठीक है, हम मतलब माइक से ये बात ना बोलें। अच्छा ठीक है, यहां से हमने शुरू किया, पहले ये पढ़ो बराबर। पत्नी अस्वस्थ परेशान, दिमागी दिक्कत, शरीर को जकड़ना, गंदी हरकत होना, प्रेत बाधा से ग्रसित, सवारी आना, कंपन होना व वजन घटना, ये लक्षण है। माइक ले लो, हम नहीं बोलेंगे जी गुरु जी। इन लक्षणों से परेशान है, गोपनीय विषय पर आपके बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा, चिंता ना करो, पोल नहीं खुलेगी, आशीर्वाद है। प्रेत बाधा है। भेजा है गुरु जी, ठीक होने से। ये तो आपका मायके का है। हाँ जी, आप शादी के पूर्व से ही दिक्कत। हाँ नहीं नहीं, ये आपको शुरू हुआ था राम राम 18 साल कुछ महीना, हमारे डिटेल में आपको दिक्कत बनी 2010 जी गुरु जी, गुरु जी 2010 जी गुरु दिसंबर से जी गुरु जी, जी गुरु जी गुरु जी। ठीक है जी। आपको फिर ज्यादा परेशानी 3 साल में घेर लिया। ठीक है, शुरू हुई थी 2010 में, त्योहार दिसंबर मकर संक्रांति के पहले। आप दो और बच्चों को भी झटका मारता बीच बीच में। ठीक है, उनके ऊपर भी प्रभाव करता अति से ज्यादा। इनके ऊपर आने के बाद आपा खो बैठती, शरीर विचित्र हो जाता, इन्हें ध्यान नहीं रहता, बेहोशी की हालत में हो जाती। कई दरबार हम जो देख पा रहे, पूरी नजर हमने लगाई है, तो कई दरबार गुरुओं के पास, विधियों के पास आप बैठे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, उतारा भी हो रहा है, सामान भी लेकर के दे रहे हैं, हम नाम नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े लोगों के पास तुम गए हो, परिणामतः शून्य निकला, 5 से 7 दिन के लिए आराम लगा है। ये हमने आपका पूरा विषय देख लिया, आपके केस पर हमने स्टडी कर ली है। हमारी शक्तियों का कहना है आप हनुमान जी की शरण पकड़ो, आप पेशी करो, हम तुम्हें 21 पेशी के अंतर्गत हनुमान जी के बल के प्रताप से ठीक करवा करके मानेंगे, ये आशीर्वाद है। आज से दया हो, नियमित पेशी का नियम करना जी गुरु। उनको लाना पड़ेगा जी। हाँ उनके घुटनों में दिक्कत है जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु। आपकी माँ को जी गुरु। उनको घुटनों में दिक्कत है, चलने में भी दिक्कत है, एक नस का ब्लॉकेज है, तुम्हारी सिर की नस की तड़कन है, भड़भड़ाता है, फटर फटर करने लगता है, आंतों पे बैठता है, पसलियों को पकड़ता है, गोला जैसा चलता है, वजन भी घट रहा है, कंपन भी होता है, विचित्र हरकतें होने लगती हैं। हमने पूरे एक एक पॉइंट को नोट करके ही बताया है कि ठीक होगा मतलब होगा मतलब होकर के रहेगा। जाइए, अब समय नहीं लेना है।